बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मस्त हूँ, मलंग हूँ। आप कैसे हैं? आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए दराज शॉपिंग हॉल। मैंने दराज से बहुत सारी शॉपिंग करती रहती हूँ और स्पेशली ये सब स्टार्ट हुआ जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, तो उससे पहले भी मैं करती थी मगर इतनी ज़्यादा नहीं करती थी। लेकिन इस दफ़ा मैंने जो शॉपिंग की है वो कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स की है। जाहिर सी बात है, वीडियोज़ वगैरह शूट करने के लिए और माइक्स वगैरह चाहिए होते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है। वैसे मैं इलेक्ट्रॉनिक्स जो जितनी भी चीज़ें हैं वो ऑनलाइन शॉप नहीं करती हूँ, लेकिन ये मुझे करनी पड़ी मजबूरी के तहत, या कैसे भी समझ लीजिए, लेकिन करनी पड़ी। तो मेरी शॉपिंग कैसी रही है वो मैं आज आप लोगों से शेयर करती हूँ कि दराज से इलेक्ट्रॉनिक्स की जो शॉपिंग है वो करना ठीक है या नहीं है, ये फिर उसके बाद उसको देखने के बाद आप लोग डिसाइड करेंगे। मैं पहले ही आप लोग को बता दूँ कि मैं ऑलरेडी जो है पैक्स वो ओपन कर चुकी हुई हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें अभी मैंने ओपन नहीं की हैं, वो बिल्कुल अनओपन है, अनपैक्ड हैं लेकिन ओपन है। ठीक है, अनपैक्ड है लेकिन ओपन है, हाँ ऐसा ही है कुछ। तो क्विकली चल के देखते हैं कि मेरा दराज का शॉपिंग हॉल कैसा रहा। करके देखते हैं कि इनमें से क्या चीज़ें जो है वो निकलती हैं। दीज आर द हेडफोन्स, ब्लूटूथ हेडफोन्स जो मैंने मंगवाए थे, P44 है। तो ये वायरलेस हेडफोन है जो ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट होते हैं, जिसे आप लैपटॉप के साथ या मोबाइल फ़ोन के साथ यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने एक मंथ पहले मंगवाया था और मैं इसको यूज़ कर चुकी हुई हूँ, ओपन कर चुकी हुई हूँ, और क्वालिटी इज़ वेरी गुड, बड़े मज़े का चल रहा है ये। तो इट इज़ रियली अ रिकमेंडेड थिंग, आप ज़रूर इसको मंगवाइएगा। तो मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ कि इसमें है क्या। इसमें ये हेडफोन है, ये एक वायर है, जबकि मुझे पता चला कि इसके साथ एक और वायर भी आती है, लेकिन मुझे सिर्फ ये एक ही वायर मिली है। वो कनेक्टर होता है या क्या होता है पता नहीं, और एक ये इंस्ट्रक्शन लिस्ट है, आई होप आपको दिख रही हो। तो ये चीज़ें मुझे मिली हैं, मैंने अभी तक ये यूज़ नहीं की है, क्योंकि मैं अपना जो मोबाइल फ़ोन का है उसी के साथ इसको कनेक्ट करके चार्ज कर लिया करती हूँ। सो दीज आर द हेडफोन्स, यहाँ से ये ऑन होता है। इसका डिस्क्रिप्शन मैं आपको बाद में दूँ कि ये किस तरह से वर्क करता है, क्या कैसे वर्क करता है, और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या कनेक्टर्स हैं, किस तरह से ये करेगा काम। ठीक है, इसके लिए बाद में हम डिटेल में बात करेंगे, अभी जस्ट ये देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। सो ये जो है, अच्छा ये मैंने एक पैकेज मंगवाया था जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ रही थी, जिसमें सेल्फ़ी स्टिक और पता नहीं क्या क्या चीज़ें थी। यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं की हुई हैं क्या क्या चीज़ें थी इसमें। बहुत सारी चीज़ें जो थी वो इस पैकेज में थी, लेकिन इन लोगों ने क्या किया कि मुझे बहुत ही कम चीज़ें जो हैं वो दी हैं, और सब की सब यूज्ड हैं। मैं इस वीडियो में उन लोगों का लिंक भी दे दूँगी, एक फ़ोटो की सूरत में बता दूँगी कि वो लोग कौन हैं और किस तरह से वो लोग धोखा दे रहे हैं लोगों को। ये सारी की सारी चीज़ें यूज्ड हैं। ये जो हैं ये लेंसेज हैं, मैंने यूज़ नहीं किए अभी, बट ये भी यूज्ड हैं। इसके अलावा इसमें ये था फ्लैश लाइट है ये, और ये फ्लैश लाइट भी मैं आपको बता दूँ यूज्ड है। इसको मैं ओपन करके भी आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, ये आप डब्बे से ही देख अंदाज़ा कर लेंगे ये कितना पुराना है और यूज्ड है। सो इस वायर को देखिए आप बड़े गौर से, क्या आपको लग रहा है कि ये न्यू है? न्यू इन्होंने सेंड किया है, ये बिल्कुल भी कहीं से भी न्यू नहीं लग रहा। ठीक है, ये फ्लैश लाइट है, इसको मैंने मोबाइल के साथ अटैच करके देखा है, ये चल भी नहीं रही है। सो मैंने अभी इसको चार्ज नहीं किया है, मैं भी चार्ज की वजह से कुछ इशू कर रहा हूँ। चार्ज करूँगी तो फिर मैं आपको बताऊँगी कि ये वर्क करती है या नहीं करती है। इसमें एक सेल्फी स्टिक होनी चाहिए थी जो कि मौजूद नहीं है, एक ये है, और इसके ऊपर जो लगाने वाला है होल्डर वो मैंने इस वक्त यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो अच्छे से होल्ड किया हुआ है इसने। ये भी जो है वो यूज्ड है, ये सारा मिट्टी से भरा हुआ है, ये सारे दाग लगे हुए हैं इसके। इवन अगर आप इसका ये नट देखें तो नट पर जंग लगा हुआ है। तो मैं इन लोगों का डिस्क्रिप्शन में या इन लोगों का जो है वो पिक्चर
शॉर्ट स्क्रीन जो है वो मैं इस पे लगा दूंगी वीडियो के साथ में, ताकि आप लोगों को पता चले कि कहाँ से चीज़ें लेनी है और कहाँ से नहीं लेनी है। सो इट इज़ कम्प्लीटली यूज। और एक ये इन्होंने दिया है सेल्फी स्टिक का, ठीक है। अब जब सेल्फी स्टिक ही नहीं है तो मैं इसका क्या करूँ? आई नीड अ सेल्फी स्टिक। ये तो बिल्कुल यूज़लेस हो गया मेरे लिए, इसको मैं कुछ नहीं कर सकती। सेल्फी स्टिक ही नहीं है बेसिकली। मैंने ये जो ऑर्डर किया था वो सेल्फी स्टिक के लिए किया था, इसके लिए भी नहीं किया था, किसी भी चीज़ के लिए नहीं किया था। सेल्फी स्टिक के लिए मैंने जो है बेसिकली ये ऑर्डर किया था और मेरे साथ धोखा हो गया। और सेकंड चीज़ जो है, ये बड़ी वैल्यूएबल चीज़ है मेरे लिए, ये आई थिंक मैंने ओपन ही नहीं की है। इसको ओपन करते हैं। ओके, कहाँ से होगा ओपन? ये मैंने अपनी मोटरसाइकिल के लिए मंगवाया था, एक पहले भी मंगवाया था लेकिन वो उस ग्रिप नहीं कर पा रहा था, उसको नट के साथ लगाना पड़ता है, लेकिन वो जो नट के साथ लगाते हैं उसमें इतनी स्पेस ही नहीं थी कि उसको मैं लगा सकती। सो ये जो है यूनिवर्सल ब्रैकेट, ये बेसिकली मैंने मंगवाया था इस चीज़ के लिए कि अपनी बाइक के साथ लगा कर इसको तो वीडियोस वगैरह जो है वो शूट किया करूँगी मैं। सारी चीज़ें गिर रही हैं, ठीक है। तो अभी मुझे नहीं पता कि ये किस तरह से मैं लगाऊंगी, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी एक दफ़ा कि कैसे यूज़ होता है, लगता है। तो ये भी इसका निकल रहा है, ये क्यों निकल रहा है इसका? ये ऐसे टूटा हुआ होता है, ये टूटा हुआ है या वैसे ही है? मुझे लग रहा है, ये मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग ये किस तरह से होता है, क्योंकि आई रियली हैव नो आइडिया। ये इसका इसके सारे आई थिंक चीज़ें लगाने वाली हैं या टूटी हुई हैं। आई थिंक ये टूटी हुई है, ये देखिए ये टूटा हुआ है, ये भी इन्होंने मुझे टूटा हुआ दे दिया है। व्हाट शुड आई डू विद दिस? अब इसको मैं क्या करूँगी? मतलब जो भी चीज़ मैं मंगवा रही हूँ वो सारी की सारी या तो यूज्ड है या टूटी हुई है। सो इसीलिए मैं मोस्टली ना इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें मंगवाती ही नहीं हूँ, मुझे पता है कि ये हरकतें लाजमी होनी ही होती हैं। अब ये टूटा हुआ है, इसको मैं क्या करूँ? मैं पता नहीं, मुझे मैं ट्राई करूँगी इसको रिटर्न बैक करने के लिए। पहले भी मैंने मंगवाया था एक, वो उसके साथ में लगा ही नहीं, यूज़ ही नहीं हुआ। अब ये भी मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये टूटा हुआ है या क्या है। आई रियली हैव नो आइडिया। चलो भाई, एक और नुकसान हो गया मेरा, ये भी इसके साथ से निकला हुआ, इसको क्या करूँ मैं? ये भी इन्होंने टूटी हुई चीज़ें भेज दी मुझे। वेरी गुड, दो नुकसान हो गए। ये कितने का था पार्सल वाला? ये 348 का था। और अब एक ये चीज़ है, ये भी काफ़ी महंगी है, ये भी मैंने अपने वीडियोस के लिए मंगवाई थी, पता नहीं इसके साथ में क्या बनता है। ये भी मैंने अभी तक ओपन नहीं किया है, तो साथ में इसको ओपन करते हैं। ये बेसिकली माइक है, तो देखते हैं इसमें से क्या चीज़ें निकलती है। लग रहा है ये सही है, ये भी सस्ता नहीं था। कितने का था बोले पार्ट से? और जनाब यार, ये 1800 का था, 1858 रुपये का। ये कोई तो चीज़ सही निकले, ये चीज़ तो बिल्कुल ही टूटी हुई दी है उन्होंने मुझे। मुझे अफसोस हो रहा है इस चीज़ का यार, ये तो बिल्कुल ही टूटा हुआ दिया है, मैंने खोला ही नहीं था उसको। उस वक्त मैंने रिव्यू नहीं किया था, अब रिव्यू करूँगी। ये इज द माइक, ये इसके कनेक्टर्स हैं, ये सिर्फ एक ही वायर है, एक ये अंदर है इसके। कोई डिस्क्रिप्शन ही नहीं है इसके साथ में, इसको कैसे यूज़ करना है। अब ये मैं यूज़ करूँगी तभी मुझे पता चलेगा कि ये सही है या नहीं है, ये कैसे वर्क करता है। ये इसका स्टैंड है, वायर के साथ में है, ये माइक है।
अब ये मैं यूज़ करूँगी तभी मुझे पता चलेगा कि इसका क्या रिज़ल्ट है, ये कैसे वर्क कर रहा है। ये माइक्रोफोन है बेसिकली, कि आप लोगों ने अगर पॉडकास्ट वगैरह करनी हो या लाइव जाना हो तो उसके लिए है। अब ये रबड़ क्यों बंधा हुआ है ये मुझे नहीं समझ में आ रहा, ये टूटा हुआ है सारा, निकला हुआ है मतलब, ये डिज़ाइन के तौर पे लगाया हुआ था इन्होंने, क्या किया था अब ये नहीं पता मुझे, ये यूज्ड है या क्या है, ये मैं यूज़ करूँगी तभी पता चलेगा, लेकिन काफ़ी लाइट वेटेड है। इसके ऊपर इसको रख के लगा के तो फिर इसको यूज़ करेंगे। ये वायर है, तो ये मेरा शॉपिंग हॉल जिसने चूना लगाया है मुझे दो चीज़ों के ऊपर। ये एक पैकेज मंगवाया था पूरा, जिसमें से एक तो चीज़ें पूरी नहीं हैं, दूसरा सारी यूज्ड है, ऊपर से ये इन लोगों ने मुझे टूटा हुआ दिया है, जिसके लिए मुझे थी उम्मीद थोड़ी बहुत कि शायद ये सही होगा, बट ये उन्होंने पूरे का पूरा ही टूटा हुआ मुझे पैकेज जो है वो सेंड कर दिया है। ये तो लग भी नहीं सकता कि बंदा चलो इसको यूज़ कर ले लगा के या कैसे भी। और ये भी देखिए ऐसे ही बाहर निकल रहे हैं, ये भी टूटा हुआ है सारा। तो यार ये टूटी हुई चीज़ें क्यों सेंड करनी है मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये तो बिल्कुल ही टूटा हुआ है, इसको क्या करूँगी मैं, आई डोंट नो। इन सब चीज़ों में अभी माइक मैंने चेक नहीं किया है, सो ये चेक करके मैं आपको इसका भी रिव्यू दूंगी कि ये कैसा है। ये अच्छी चीज़ रही है, भी काफ़ी महंगा था, आई थिंक 700 800 या समथिंग का कुछ आया था, तो ये अच्छा चल रहा है अभी तक तो, भी ये चेक करने वाला है। और बाकी ये दोनों चीज़ें जो है ये बेकार है मेरे लिए, मैं इसको क्या करूँ, ये कचरा है बिल्कुल, ये उन लोग को वापस करने की कोशिश करूँगी मैं अगर वो लोग ले लें। सो गाइज ये तो था रिव्यू शॉपिंग हॉल दराज शॉपिंग हॉल, जिसमें से दो चीज़ों के ऊपर मुझे चूना लग चुका हुआ है, और अब मैं उनकी पिक्चर भी सेंड कर दूंगी ये मैंने कौन से वाले पेजेस से मंगवाए थे, और रिव्यूज़ चेक करने के बाद ही मंगवाए थे मैंने, लेकिन उसके बावजूद जो है वो मुझे चूना लगा है, तो मैं अब कुछ कर नहीं सकती हूँ इसके लिए, लेकिन आई विल रिकमेंड यू कि यहाँ से चीज़ें ना खरीदिएगा, ठीक है। और मैं इन लोग को वापस करने की कोशिश भी करूँगी, एक को तो मैंने रिव्यूज़ दे दिए थे रिटर्न का, मैंने उनसे नहीं पूछा था, लेकिन ये जो दूसरे वाला है वो मुझे बहुत ज़रूरी चाहिए था, और उन लोगों ने भी मेरे साथ ये हरकत कर दी। पहले वाला मैंने एक मंगवाया था वो नट के साथ लगता है, लेकिन वो लग नहीं रहा था, मेरी स्कूटी के लिहाज से वो ठीक नहीं था, तो ये मंगवाया था, सोचा चलो इससे काम चला लूँगी मैं, कुछ ना कुछ वीडियोज़ वगैरह बनाना शुरू करूँगी अपनी स्कूटी के लिए, लेकिन अब वो तो नहीं हो सकेगा, मैं कुछ नहीं कर सकती उसके लिए। तो ये छोटा सा मेरा एक व्लॉग था शॉपिंग हॉल का, दराज शॉपिंग हॉल का, कि कभी भी ऑनलाइन शॉपिंग के साथ हमारे साथ ऐसा भी हो जाता होता है, तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, कुछ चीज़ें बड़ी अच्छी आ जाती हैं, कभी कुछ चीज़ें बहुत ही ख़राब ये लोग सेंड कर देते होते हैं। तो आई विश आप लोग के साथ ऐसे चांसेस ना हुए, अगर हुए हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और क्या क्या चीज़ें आपके साथ गलत हुई हैं वो भी मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, लेकिन कमेंट में। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, इस वीडियो को शेयर भी करिएगा, और कमेंट के ज़रिए बताइएगा अभी का कि आप लोगों के क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं। मेरे अगले व्लॉग तक के लिए, अगली वीडियो तक के लिए शाज़िया सईद कर दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।